Dear student, second chapter in your book is food. इस chapter में हम पढ़ेंगे कि sources of food क्या क्या हैं और food में कौन कौन से nutrients हैं. उसके बाद कोई चीज़ अगर आप नहीं खाते या जो भी चीज़ हमें minerals जो मिलते हैं food में से, अगर वो mineral आपकी body के अंदर नहीं जाएगा तो आपको कौन कौन सी deficiencies हो सकती हैं, कौन कौन सी disease हो सकती हैं, तो ये सभी topic आप इस chapter में पढ़ोगे. तो सबसे पहले फूड इज़ अ मेन सोर्स दैट सस्टेन्स एंड नरिशेज लाइफ. यही एक सोर्स है जो हमारी ज़िंदगी को चलाता है. उसके बाद फूड के सोर्सेज क्या हैं. फूड हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है. इधर जैसे इन्होंने लेफ्ट में दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइप के फूड्स कौन से हैं, तो इधर चार्ट को फिल करना है आपने कि व्हाट आर द फूड्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड सम फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. जैसे आपको मिल्क है ये एनिमल से मिलता है, उसके बाद एप्पल है ये प्लांट से मिलता है. इस तरह से आपको डिफरेंट फूड्स के नेम लिखने हैं. अब फूड फ्रॉम प्लांट्स, आपको पता है प्लांट्स सोलर एनर्जी का यूज़ करके फूड को प्रिपेयर करते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स ईट प्लांट इन द फॉर्म ऑफ और द अदर, मीन्स किसी भी फॉर्म में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स को कई फॉर्म में खाते हैं. जैसे एनिमल्स को प्लांट से सीरियल ग्रेन्स मिलते हैं, जैसे वीट राइस मेज आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इससे हमें एनर्जी मिलती है. ऐसे ही आप पल्सेस खाते हो, ग्रीन ग्राम खाते हो, सोयाबीन खाते हो, इन सब से आपको प्रोटीन्स मिलता है. फिर ऐसे ही आप फ्रूट्स मैंगो, फ्रूट्स में मैंगो खाते हो, एप्पल बनाना, इन सब से भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनेच मस्टर्ड फेनुग्रीक आल्सो, ये सभी चीज़ें आप जो खाते हो ये सभी भी हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं. प्लांट्स से हमें डिफरेंट टाइप के ऑयल मिलते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो आपके घर में फ्रूट्स आपने देखा होगा, राइस ब्रान ऑयल, ये सभी जो ऑयल है ये हमें फैट्स देते हैं. उसके बाद आपके घर में मसाले यूज़ होते हैं, क्यूमिन है, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है एक्सेट्रा, ये सभी आपके फूड को टेस्टी बनाने में हेल्प करते हैं. नाउ द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, नंबर वन मिल्क. अब मिल्क आपको पता है किससे मिलता है. मिल्क गिविंग जो एनिमल्स है उसको हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं. हमारे इंडिया के अंदर मेन दो टाइप के मिल्च एनिमल्स हैं, काउज एंड बफेलोज. वैसे तो गोट और कैमल का भी मिल्क यूज़ होता है, लेकिन मैक्सिमम हमारे इंडिया में काउज और बफेलोज का मिल्क यूज़ होता है. एग हमें हैंस डक्स फाउल एंड फाउल्स ले देयर ले एग्स, इन सब से मिलते हैं. इन सभी को हम पोल्ट्री बर्ड्स कहते हैं और इसमें मेन एग्स में मेन प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं. अब मीट में हम किसका मीट खाते हैं, फिश गोट शीप पिग चिकन, ये सभी मीट के एक सोर्सेज हैं. कोस्टल एरियाज़ में आप देखोगे जिसे हम सी फूड कहते हैं उसमें आते हैं प्राउन क्रैब श्रिम्प्स, ये सभी आपके प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. एक और चीज़ रहेगी, आपने बीहाइव देखे होंगे जिसमें हनी कलेक्ट होता है, हनी भी उसको कलेक्ट करती हैं, तो हनी भी एक सोर्स ऑफ फूड है. मीन्स ये हमारा मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है आमतौर पर, जिससे कि वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके बनाती है हनी भी. अब न्यूट्रिएंट्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स आपको फूड से मिलते हैं दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. रफेज एंड वाटर आर आल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड. रफेज में आ जाता है बेटा, जैसे आप लोग सलाद खाते हो, खीरा प्याज मूली गाजर ये सब खाते हो, तो ये आपके फूड में का एक पार्ट है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए कि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं आपके फूड की, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी के अंदर.
अब एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? अच्छा, इनसे तो मिलती है आपको एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। जैसे चपाती में कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स आपके घी में हो गया, आप दूध पीते हो उसमें फैट्स हैं, इनसे तो मिलती है आपको एनर्जी। प्रोटीन्स जो आप दाल वगैरह खाते हो, ये आपके बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स, ये आपके वो फूड हैं जो आपके प्रोटेक्टिव है, मीन्स आपको डिजीज से बचाते हैं। अब वन बाई वन हम इसको स्टडी करेंगे।